हरिओम, आप सभी का स्वागत है पंडित ग्रीशरण शास्त्री ब्लॉग्स में। आज के इस ब्लॉग्स में हम नित्य पूजा पाठ में संकल्प का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, आज के इस ब्लॉग्स में आपको मैं सब पुस्तक सहित बताने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम नित्य संकल्प किस प्रकार से करें सरल विधि के साथ। ज़्यादा लंबा चौड़ा संकल्प भी नहीं पढ़ सकते, छोटा सा संकल्प हो, काम बन जाए। आप कोई ऐसा संकल्प हमें बताइए। तो आइए, हमको किस प्रकार से अपनी नित्य की पूजा में, दैनिक पूजा में संकल्प का प्रयोग करना चाहिए, आज के इस ब्लॉग्स में आपको बताने का प्रयास करूंगा। संकल्प मूल कामों वा, संकल्प समस्त कामों का मूल होता है। आपने संकल्प कैसे प्रारंभ करना है, अपने हाथ को इस प्रकार से रख लीजिए। अपने हाथ में थोड़ा सा आप जौ डाल लीजिए, पुष्प मिल जाए पुष्प रखिए, हरी दुर्वा मिल जाए हरी दुर्वा रखिए, सुपारी मिल जाए सुपारी रखिए, अथवा 1 रुपये का सिक्का हो वह अवश्य रखिएगा। कुछ नहीं मिलता तो एक पुष्प, पुष्प के ऊपर थोड़े चावल अक्षत इत्यादि डाल दीजिए, जल लगा दीजिए और जल डालकर आप अपने संकल्पों को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। जो संकल्प मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप एक कागज में लिख लीजिएगा और नित्य प्रयोग में उस संकल्प को आप लेकर आइएगा। तो आइए मैं आपको पुस्तक में दिखाता हूँ कि आपने संकल्प किस प्रकार से नित्य करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आपके सामने पंचांग पूजन पद्धति पुस्तक है, गीता प्रेस की है। तो आपने गीता प्रेस पंचांग पुस्तक की पद्धति को लेना है। इसमें आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 10 है, इसमें आपको पंचांग पूजन संकल्प के विषय में बताया है। अब आपने यहीं से ही संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है देखिए, यहां पर आप पढ़ेंगे ओम विष्णुर विष्णु विष्णु, 3 बार बोलना है इसको। श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तेक देशे, उसके उपरांत नगरे, जिस नगर में आप रहते हैं उस नगर में, ग्राम में, क्षेत्र में, जो भी आपका पड़ता है वहाँ नाम लीजिए। उसके उपरांत बोलिए षष्ठी संवत्सराणा मध्य, संवत्सर का नाम लीजिए जो चल रहा है। उसके उपरांत अयने, जो अयन चल रहा है उस अयन का नाम लीजिए। ऋतु, जो ऋतु वर्तमान में चल रही है। मासी, जो वर्तमान में महीना चल रहा है। पक्षी, जो वर्तमान में पक्ष चल रहा है। तिथौ, जो वर्तमान में तिथि चल रही है। जो वर्तमान में नक्षत्र चल रहा है। जो वर्तमान में योग चल रहा है। करणी, जो वर्तमान में करण चल रहा है। जो वासरी, जो वर्तमान में वार है उसको अमुक राशि स्थिति, जो जो राशि में इस समय ग्रह इत्यादि नक्षत्र हैं वह लीजिए। यदि आपको यह समझ में नहीं आता कि अमुक राशि स्थिति सूर्य, अमुक राशि स्थिति चंद्र, यहाँ पर क्या लगाएं, तो आप यहाँ पर इतना कह दीजिएगा, यथा यथा बोल दीजिएगा। यदि आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आता तो आप बोल दीजिएगा कि शेषेषु ग्रहेषु, ये चीज़ आप छोड़ दीजिएगा और यहाँ पर इसके स्थान पर बोल दीजिएगा शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशिष्टे शुभ मुहूर्ते अमुक गोत्र, अपना गोत्र, सपत्नी का विवाह हो गया तो सपत्नी का नाम लीजिए, नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए। शर्मा वर्मा गुप्तोहम, जो भी आप इसमें से हैं आप उसको यूज़ कीजिए। ब्राह्मण शर्मा है, क्षत्रिय वर्मा है, कोई अगर वैश्य है तो गुप्ताहम, कोई अगर स्वपच जाति का है तो दासोहम लगा सकता है। उसके उपरांत आपने देखिए क्या बोलना है यहाँ से, उसके उपरांत आपने नित्य पूजा संकल्प मैंने लिखा है, आपने यह बोलना है सकल अरिष्ट क्षय पूर्वकम मनो इप्सित फल प्राप्त्यर्थम इष्ट देव प्रसन्नार्थाय प्रातः सायं नित्य देवोपासनम अहम च करिष्ये। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत बोलकर अपना संकल्प आप भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिए। तो यह छोटा सा संकल्प है अपनी नित्य दैनिक पूजा के लिए जो मैंने आपको बताया।
आशा करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने इष्ट मित्रों को वीडियो अवश्य शेयर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।